लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शहर में जो कुछ भी हो रहा है आप सबको उसकी रिपोर्ट मिल चुकी है। आपको यह भी मालूम होगा कि यह गैंगवार सूरज प्रसाद सिंह और लाला यानी के मदनलाल मल्होत्रा के दरमियान कई सालों से चली आ रही है। हमने बार बार कोशिश की कि यह रोज रोज की मारा मारी बंद हो जाए। इन दोनों को बुलाकर डराया, धमकाया, समझाया, मगर कोई असर नहीं हुआ। लाला और सूरज सिंह की नफरत की दीवार हमारी कोशिशों से कहीं ज्यादा ऊंची निकली, लेकिन इस शहर के जो हालात हैं, पब्लिक जो कह रही है, प्रेस वाले जो लिख रहे हैं, इन सब को देखते हुए ये जरूरी हो गया है कि हम जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालें। इसीलिए आप लोगों को यहां बुलाया गया है, क्योंकि आप सब लोग इस डिपार्टमेंट के बेहतरीन दिमाग हैं। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, इस शहर को और पुलिस की इज्जत को बचाने के लिए आप कोई ऐसी तरकीब सोचें जिससे ये दोनों शरीफ गुंडे आपस में लड़ना छोड़ दें और शहर वाले शांति से रह सकें। एनी सजेशंस? हेलो, यस सर, जी हाँ, यस सर, उसी सिलसिले में मीटिंग चल रही है जी। लेकिन सर, ओके ओके सर। अपने मिनिस्टर साहब हमारी मदद के लिए कोई खास आदमी भेज रहे हैं। मे आई कम इन सर? कम इन। थैंक यू। सॉरी, इंस्पेक्टर कामदेव सिंह फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल साइकोलॉजी रिपोर्टिंग सर। सॉरी, डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल साइकोलॉजी सर। टेक ए सीट। सॉरी, मिनिस्टर साहब का कहना है कि तुम हमारी मदद कर सकते हो कामदेव सिंह। लोग मुझे केडी कहते हैं सर। केडी सर। तो केडी, तुम हमारी क्या मदद कर सकते हो? सर, मैं कुछ कहने से पहले सूरज प्रसाद सिंह और मदनलाल मल्होत्रा के बारे में कुछ जानना चाहूंगा। उनकी कोई फाइल वगैरह आप? किधर गई? आओ। Excuse me.
ये है कौन? बुद्धू लगता है साला। इसे मिनिस्टर ने भेजा है, ये क्या कर सकता है? सर, लाला और सूरज को रोकने की तरकीब तो पहले से इन फाइलों में मौजूद है। बहुत आसानी से इन दो दुश्मनों को दोस्त बनाया जा सकता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, एक्सक्यूज मी, सूरज सिंह का एक जवान बेटा है राहुल, और लाला की एक जवान और खूबसूरत बेटी है प्रिया। भोले भाले सुंदर बच्चे। अब अगर ये दोनों बच्चे वो करने लगे जो सब लोग जवानी में करते हैं तो प्रॉब्लम खत्म, फिनिश। जवानी में सब लोग क्या करते हैं? लव, प्रेम। बापों की नफरत का जवाब है बच्चों की मोहब्बत। ये दोनों प्रेम करने लगे तो लाला और सूरज को दोस्ती करनी पड़ेगी, और जैसे दोस्ती हुई, लड़ाई झगड़ा, लूट मार, मारा मारी खुद ब खुद बंद। नॉनसेंस, दो दुश्मनों के बच्चे एक दूसरे से प्यार कैसे कर सकते हैं? सर, आग और तेल को पास पास रख दिया जाए तो शोले खुद ब खुद उठने लगते हैं। सॉरी, बस अब सोचना यह है कि आग और तेल को एक दूसरे के पास लाया कैसे जाए। सोचने दीजिए। तुम्हारे प्यार में दिल बेकरार कब से है, अब आ भी जाओ मुझे इंतजार कब से है। ये खादिम कामदेव सिंह उर्फ केडी आपको बधाई देना चाहता है कि लोगों की राय में आपको शहर का सबसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़का चुना गया है। मैडम, इस शहर के लाखों लोगों का विचार है कि आपसे ज्यादा सुंदर लड़की उन्होंने इस जन्म में देखी नहीं, और पिछला जन्म किसी को याद ही नहीं है। इस पोल में जीतने वाले जोड़े को जेट एयरवेज एक ऐसी जगह ले जाएगा जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप प्रेम करते हैं तो यही आइए, और अगर प्रेम करना चाहते हैं तो भी यही आइए। If you are in love, then you must come to this beautiful island. And if you want to fall in love, then too you must come to this beautiful island. And Jet Airways would love to fly you there. अगर
दिल दूंगा कभी किसी को, it will be कसम से forever and ever and ever. कल फूलों में हो ना हो खुशबू, लेकिन मेरी नजरों से जाएगी दूर न तू. मुमकिन है कि कल फूलों में हो ना हो खुशबू, लेकिन मेरी नजरों से जाएगी दूर न तू. तुम्हें ढूंढने कहां जाऊं, कोई मंजिल ना कोई रास्ता है. मेरी बाहें तुम्हारी मंजिल है, दिल मुसाफिर है, प्यार रास्ता है. वक्त आंखों में थम गया जैसे, एक पल एक साल लगता है. मेरे ख्वाबों की सांस टूट न जाए, आ भी जाओ कि आज टूट न जाए. रुक जाओ, तुम ये प्रेम कहानी शुरू नहीं कर सकते. लेकिन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस प्रेम कहानी का अंत बहुत भयानक है, बहुत ही भयानक. गोलियां, बारूद, खून खराबा, तबाही, बर्बादी, नहीं ये नहीं हो सकता है. हो सकता है, मैं प्रिया के लिए खून के समंदर और लाशों के पहाड़ भी पार कर सकता हूँ. तुम ही हम दोनों को पास लाए और तुम ही हमें अलग करना चाहते हो, क्यों? इसलिए कि तुम दोनों की तकदीरें ऐसे आदमियों के हाथों में है जो मोहब्बत पर नहीं नफरत पर भरोसा करते हैं. कौन है वो जालिम लोग? तुम दोनों के बाप सूरज प्रसाद सिंह और मदनलाल मल्होत्रा. तुम सूरज प्रसाद सिंह के बेटे हो और तुम मदनलाल मल्होत्रा की बेटी, और वो दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं. ओह नो. ओह यस. मैं जानती हूँ मेरे पापा बहुत जिद्दी हैं, वो हमारे प्यार को कभी स्वीकार नहीं करेंगे. और मैं भी जानता हूँ मेरे पिताजी मुझे गोली मार देंगे, लेकिन अपने अपने दुश्मन की बेटी को कभी कबूल नहीं करेंगे. अब क्या होगा राहुल? मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है, तुम दोनों की मोहब्बत की किताब का टाइटल है जुदाई. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. प्रिया,
मेरे बच्चों, जाओ अपने अपने घरों को लौट जाओ। लेकिन अब ये कैसे? प्लीज, आई एम सॉरी। चाहत में वादे पे मर जाए, तोड़ेंगे ना अपनी कसम, मिलके जुदा होंगे ना हम। दिल दूंगा कभी किसी को तो होगा कसम से, फॉरएवर एंड एवर एंड एवर। दोनों के मिलन की एक ही सूरत है, तो जल्दी से वो सूरत दिखाइए ना। पहले वादा करो कि तुम दोनों वही करोगे जो मैं कहूंगा। वादा। तो दिल थाम के बैठो और देखो केडी की अगली चाल।
तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। आउच। से कैसी ये हया, और तू है मेरी दिलरुबा, क्या लगती है वाह रे वाह। तू है मेरी दिलरुबा, क्या लगती है वाह रे वाह। धक धक करने लगा, हमारा जियरा डरने लगा। सूरज सिंह धोखेबाज, मुझे पता होना चाहिए था कि तू मुझे फंसाने के लिए फिर कोई जाल बिछाएगा। कुत्तों को पकड़ने के लिए जाल नहीं बिछाए जाते बेवकूफ आदमी, उन्हें तो सड़कों पर गोली मार दी जाती है। मान सिंह दगाबाज मक्कार निरंदर, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठहरिए, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हे राम, कहा तो फूल बरसाने की बातें हो रही थी, अब गोलियां बरसाना चाहते हैं? छी छी छी, लेडीज का भी ख्याल नहीं है। लेडीज की बच्ची, तू इस कमीने के साथ मिलकर मुझे फंसाना चाहती थी? मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। प्रभा देवी, ये क्या हो रहा है? बादशाह और रानी के खेल में जलील जोकर कहां से घुसाया? जवाब दे। तो मेरा जवाब ये है कि आप दोनों के बच्चों की जिंदगी का सवाल है। अगर आप दोनों ने एक दूसरे को गले नहीं लगाया तो वो दोनों मौत को गले लगा लेंगे। ये क्या कह रही है तू? पिताजी, ये ठीक कह रही है। हाँ दादी, ये हमारी जिंदगी का सवाल है। जिंदगी में एक पल ऐसा भी आता है जब कोई किसी का बेटा या बेटी नहीं होते, सिर्फ चाहने वाले होते। एक आशिक जो अपनी माशूका की आंखों में खुद को खो देता है, और एक माशूक जैसे अपनी आशिक की बाहों में सब कुछ मिल जाता है। हम दोनों को भी अपने प्यार के सिवा और कुछ नहीं चाहिए पिताजी। ना आपकी मोहब्बत, ना आपकी नफरत, ना आपकी दोस्ती, ना आपकी दुश्मनी। हम जा रहे हैं पिताजी। हाँ दादी, हम जा रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जहां मोहब्बत के बादलों से रागों की बारिश होती है, जहां धरती की हरी उंगलियों पर फूलों की मेहंदी लगती है। चलो प्रिया। रुक जाओ, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली मार दूंगा। ए! राहुल अभी अनाथ नहीं हुआ है लाला। कमीने, मैं जानता था तू और तेरे बेटे ने मेरी बेटी को बहकाया है। घेर लो सालों को। ये गोलियां तो हवा में चली हैं, लेकिन अगली दो गोलियां हमारी छातियों पर चलेंगी। अगर आप लोग हम दोनों को जिंदा देखना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपनी पुरानी दुश्मनी भूलकर दोस्ती कर लें, ताकि हम और हमारे साथ सारे शहर वाले अमन से जी सकें। मैं इस जलील से हाथ मिलाऊं नामुमकिन, और मैं इस नमक हराम से दोस्ती करूं कभी नहीं। अगर ये नहीं हो सकता तो देखिए क्या हो सकता है। प्रभा जी, आप दस्तक गिनिए। ओके। अगर आप दोनों ने हाथ नहीं मिलाया तो हम दोनों भगवान से जा मिलेंगे। एक,
दो। तीन, चार। प्रिया, प्रिया मेरी बेटी, ऐसा मत कर। अरे अपने बाप की इज्जत का तो ख्याल कर। राहुल, क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाला था कि तू मेरा सर दुश्मन के कदमों में झुका दे? राहुल प्लीज। आठ। नहीं प्रिया प्लीज, समझने की कोशिश करो। नौ। राहुल तुझे मेरी कसम। सवा नौ। सूरज मेरी बच्ची को बचा ले। साढ़े नौ। राहुल होश में आ, राहुल होश में आ। पौने दस। बस हाय मैं मर गई। हाँ हम तैयार हैं। आप तैयार हैं? हाँ। अब झगड़ा नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। शहर में अमन और शांति रखेंगे। बिल्कुल। मुबारक हो। ये सब कैसे हो गया? I don't believe it. I don't believe it. सर, I've done it. मेरे प्लान कामयाब हो गया। इम्पॉसिबल। मैंने इससे ज्यादा जलील, बेहुदा और रिडिकुलस मैन आज तक नहीं सुना। यह नामुमकिन है सर। हर मुमकिन पहले नामुमकिन ही होता है और हर हकीकत पहले ख्वाब ही होती है। ये सिर्फ कहानियों में होता है, रियल लाइफ में नहीं। नॉनसेंस सर। जैसा कि आप जानते हैं, एक जमाने में लाला और सूरज सिंह बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन किसी गलत फहमी का शिकार होकर एक दूसरे के दुश्मन बन गए। तो सर, अगर उन दोनों के बच्चों में प्यार हो जाए तो वो गलत फहमी दूर हो जाएगी और वो फिर से एक दूसरे के दोस्त बन जाएंगे। सर आप मेरा यकीन करिए, मुझे एक चांस दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं अपने प्लान में जरूर कामयाब हो जाऊंगा सर, प्लीज। नॉनसेंस। यस सर। यस सर। यस सर। यस 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 सर। प्लीज सर, सॉरी सर, प्लीज। चूंकि हमारे पास कोई दूसरा प्लान नहीं है जिससे हम सूरज सिंह और लाला के गैंग्स पर काबू पा सके, इसलिए मैं इंस्पेक्टर कामदेव सिंह को एक महीने का टाइम देता हूं। थैंक यू सर। थैंक यू भगवान। ओह गॉड। प्लीज सेंड इंस्पेक्टर श्रीवास्तव। देखो केटी, अब भी मुझे तुम्हारे प्लान पर भरोसा नहीं है, इसलिए आज के बाद तुम इंस्पेक्टर श्रीवास्तव के साथ मिलकर काम करोगे। मगर सर, मुझे सही रिपोर्ट मिलती रहे। लेकिन सर, इस काम के लिए मैं अकेला। सर। ओह गॉड। केडी, दिस इज इंस्पेक्टर श्रीवास्तव। थैंक यू वेरी मच। और शालिनी, आज से तुम केडी को असिस्ट करोगी इन ऑपरेशन प्याराना। ऑपरेशन प्याराना? सर एक नया शब्द बनाया है, बड़ों का याराना कराने के लिए छोटों का प्याराना कराना बहुत जरूरी है। प्याराना? आपका मतलब है कि आपने जो कुछ भी कमिश्नर साहब से कहा वो सब हुआ ही नहीं था? वो सब आपकी मनगढ़ंत कहानी थी? मेरी मनगढ़ंत कहानी थी? पूरी कहानी, लड़के लड़के की पहली मुलाकात से लेकर लाला और सूरज सिंह का आपस में गले मिलना, वो सब आपका ख्याली पुलाव था?
मेरा ख्याली पुलाव था। आपको तो फिल्मी स्टोरी राइटर होना चाहिए था। ऑपरेशन प्याराना की कामयाबी के बाद फिल्मी स्टोरी राइटर बनने का ही इरादा है। ऑपरेशन प्याराना कहाँ से शुरू होगा सर? केडी, प्लीज कॉल मी केडी। ओके केडी। पहले तो चलकर उन प्यारे प्यारे बच्चों को देखना होगा जिनका प्याराना कराना है। पहले किसे देखना है, लड़के को या लड़की को? देखना तो पहले लड़का। लेकिन केटी, लड़का मिलेगा कहाँ? ढूंढते रह जाओगे अजी, ढूंढते रह जाओगे। प्यार में हर कोई खो गया, जमाना दीवाना हो गया, जमाना दीवाना हो गया। प्यार में हर कोई खो गया, जमाना दीवाना हो गया, जमाना दीवाना हो गया। रहना नटखट प्रेम कुमारी, इन गलियों में बच के रहना नटखट प्रेम कुमारी। इस बस्ती में रहते हैं सबके सब प्रेम पुजारी। चटक मटक के मत चलियो, कोई नमक लगा कर चख लेगा, चटकीली चटक जवानी को झट से अखियन में रख लेगा। सुंदर लड़की है जहाँ, तंदुरुस्ती है वहाँ, तंदुरुस्ती है वहाँ। खंजर चलवाए कितने हिटलर आए, जुल्म किए खंजर चलवाए कितने हिटलर आए। पर इश्क में पागल दीवानों को वो भी रोक न पाए। लहू दिलों का जब चाहत के रंगों में ढलता है, तब तब इस दुनिया में सुंदर ताजमहल बनता है। जमाना दीवाना हो गया, जमाना दीवाना हो गया। प्यार में हर कोई खो गया, जमाना दीवाना हो गया, जमाना दीवाना हो गया, जमाना दीवाना हो गया। चोली के नीचे क्या है, चोली के पीछे डाड़ा, टोपी के नीचे क्या है, टोपी के नीचे। अरे चोली के और टोपी के नीचे तो सिर्फ चोरी का माल ही हो सकता है, लेकिन हमारा ये भी ख्याल है कि हमारा बिटुआ चोरी नहीं कर सकता, कहे कि उसके बाप के पास बहुत पैसा है। यू आर राइट बाबूजी। एक्चुअली वो क्या है बाबूजी कि आप कमाई में जो मजा है ना, वो मजा ना बाप कमाई में है ना पाप कमाई में। तो ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है? जी हाँ, खुद को खतरे में डालकर और अपनी जान की बाजी लगाकर
जीते हुए पैसे। शाबाश बेटे, शाबाश। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बचुआ अब जुआ खेलने लगा है? नहीं नहीं बाबूजी, मैं जुआ नहीं खेलता हूं, मैं तो शर्त लगाता हूं। ये देखिए, ये 2000 रुपए चार माले से पानी में कूदने के, और ये 500 रुपए बॉम्बे से पूना 2.5 घंटे में पहुंचने के, और बाबूजी ये 101 रुपया सर से नारियल तोड़ने का। क्यों, क्या ख्याल है? बहुत खूब। यू मीन टू गुड। एक बात बताओ बिटवा, हमसे तुम हारने का काल लोगे? हारने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता बाबूजी। और अगर आपको यकीन ना हो तो लगा लीजिए शर्त। ठीक है, अगर तुम जीत गए बबुआ तो जितने पैसे हैं उसके 10 गुना तुम्हारा, और अगर तुम हार गए तो आज के बाद किसी के साथ तुम शर्त नहीं लगाओगे। मंजूर? मंजूर। ए मंगल। जी सरकार। जरा बंसी से कहो कि मुन्ना के लिए ढेर सारा दूध लेकर आए, बहुत ताकत खर्च होने वाली है। नहीं नहीं, खर्च तो आपके पैसे होने वाले हैं बाबूजी, पूरे 26,000 और 10। अरे बेटा जी, हमारी बात मान लो। हाँ, अपना ये दूसरा हाथ भी लगा दो, लगा दो बेटा, लगा दो। अरे नहीं बाबूजी, आपको हराना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। सरकार दूध। थैंक यू। आई मीन दूध की जरूरत आपको ज्यादा है बाबूजी, आप ही पी लीजिए। बचवा, तुमको पता है ना कि हम दूध नहीं पीते हैं? पता तो है बाबूजी, लेकिन ये नहीं पता कि क्यों नहीं पीते आप। हम पीते थे बेटा, बहुत शौक से पीते थे। एक ही गिलास से आधा वो पीता था, आधा हम। भाई साहब, मुबारक हो भाई साहब। अरे सरिता, क्या हुआ, लड़की या लड़का? अरे हम बताते हैं, लड़का हुआ, लड़का। आपको कैसे पता लगा भाई? अरे का है भौजी, कि हमारा भगवान से बहुत ही डायरेक्ट कनेक्शन है, उन्होंने हमको पहले ही फॉरकास्ट कर दिया था कि लड़का हो। अरे भाषण बंद कर, इधर आ और देख अपने बेटे को कितना खूबसूरत है। शुक्र अपनी माँ पर गया, अपने बाप पर नहीं गया। आए, अरे बाप की शक्ल में क्या खराबी है, जरा बताओ तो सही। बंद कीजिए अपनी यारी और अपने बेटे को गोद में तो लीजिए। अरे नहीं भौजी, हमारी गोद में नहीं, पहले इसको लाला की गोद में डालो। का है कि हम लाला के, तो हमारा बिटवा भी लाला का, वैसे भी बहुत परेड कर रहा था, यहाँ से हुआ, हुआ से यहाँ। अरे यहाँ से हुआ, हुआ से यहाँ का बच्चा ये बिटवा नहीं। राहुल बोल, राहुल। राहुल? हाँ, मैंने इसका नाम पहले से सोच रखा था। राहुल तो बहुत बढ़िया नाम है भाई, हमने भी फैसला किया कि जब तुम्हारी बारी आएगी तो हम उसका नाम रखेंगे प्रिया। अबे ये तो लड़की का नाम हुआ। और नहीं तो का। अरे भौजी, हमको लड़का हुआ, इसको लड़की होगी, तभी ना दोनों का रिश्ता पक्का होगा। बोल मंजूर है? बोल ना बकलोल। मंजूर। रिश्ता पक्का? पक्का। शाबाश, तो हो जाए पुराने तरीके से, एक ही दूध का ग्लास आधा आधा हो जाए। अरे शाबाश है जानकी, जानकी जय बोलो हनुमान की। ले पी। अरे पहले तू। ना पहले तू। पहले तू। अरे पहले पी ले बचवा। अरे पहले तू। ना बचवा बिटवा पी ले। अच्छा पहले मैं। अरे वाह, पता नहीं किसने एक दिन हमारे दूध में जहर मिला दिया। उस दिन के बाद से लेकर आज तक हमने दूध के ग्लास को कभी हाथ नहीं लगाया। सरकार, बादल का फोन। हाँ बादल बोलो। ठीक है, उस हरामजादे की उम्र बहुत लंबी है। भाई साहब, इससे बढ़िया जगह अपने धंधे के लिए तो हो ही नहीं सकती। पानी का रास्ता खुला, जमीन का रास्ता खुला, और ऊपर आसमान, आसमान का रास्ता भी खुला ही खुला।
जगह तो अपने काम की है, बात कर लो। हाँ जी। अरे राम साईं, साईं नमस्कार, 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 साईं नमस्कार। अरे जीते रहो साईं, जीते रहो। हमारे लाला जी को जगह बहुत पसंद आ गई है। साईं लाला जी को जगह पसंद आ गई, ये तो बड़ी झूलेलाल का कृपा है। बड़ी साईं, इसके बीच में एक लफड़ा है। लफड़ा है? क्या गवर्नमेंट का है? उसकी फिक्र मत करो, हम लोग संभाल लेंगे। साईं गवर्नमेंट का नहीं है। गवर्नमेंट का नहीं, म्युनिसिपैलिटी का है। नहीं साईं, बड़ी म्युनिसिपैलिटी का भी नहीं है। अरे म्युनिसिपैलिटी का नहीं है तो किसका लफड़ा है? हमारा है। अरे कौन है बे? तमीज से बात कर बदतमीज, जिसकी आवाज में शेर की गूंज है, जिसको देखने से आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। लाला का पुराना दुश्मन सूरज, बड़ी बड़ी बातें करने से पहले ये भी जान ले, जहां लाला पहुंच जाता है वहां सूरज को भी ग्रहण लग जाता है। ये मत भूल लाला, जिस जमीन पे खड़ा तू सांस ले रहा है उस जमीन पे सूरज का राज है। लाला ने अच्छे अच्छों के राज बदल दिए हैं। साईं, आपकी ये जमीन हमने खरीद ली। हाँ जी। तू ये जमीन नहीं खरीद सकता। क्यों? तूने ये जमीन अपनी समाधि के लिए पसंद कर रखी है? समाधि तो उसकी बनती है जो हमारे इलाके में आने की जुर्रत करता है। और लाला जिस इलाके में कदम रख लेता है वो जमीन उसकी हो जाती है। और जो हमारी मर्जी के बगैर हमारे इलाके की जमीन पे अपना कदम रखता है वो अपने कदमों पे नहीं बल्कि दूसरों के कंधों पे लौट के जाता है। नहीं, आज गोली नहीं चलेगी। काहेरे लाला, इतनी जल्दी घबरा गया? लाला ने हमेशा मौत की आंखों में आंखें डालकर जीना सिखाया सूरज, लेकिन आज अपनी बेटी के जन्मदिन पर हम किसी का खून नहीं बहाना चाहते। का? प्रिया का जन्मदिन आज 26 अक्टूबर है का? जी हाँ सरकार। ठीक है लाला, जा, तेरी बिटिया के जन्मदिन पे ही तेरा मृत्यु दिन हो ऐसा हम भी नहीं चाहेंगे। दोस्तों, पहली खुशी की बात यह है कि आज प्रिया का जन्मदिन है, और दूसरी खुशी की बात यह है कि मैंने अपनी गुड़िया के लिए दूल्हा चुन लिया है, और वो है बलविंदर नाथ उर्फ बॉबी। मुबारक हो, लड़की की मंगनी हो गई। किधर? इधर। हेलो, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। मम्मी, पापा फिर अपने साले की बातों में आ गए। मेरी शादी बॉबी से कराना चाहते हैं। मैं क्या करूं मम्मी? प्रिया, बेटी प्रिया, अरे क्या हुआ, तुम पार्टी छोड़कर यहां क्यों आ गई? मेरी शादी तय करने से पहले आपने मुझसे पूछा भी नहीं। अरे इसमें पूछने की क्या बात है बेटा, बॉबी से अच्छा लड़का और कहां मिल सकता है। अमेरिका से पढ़कर आया है, शरीफ है, समझदार है, और फिर अपने सुरेंद्र का बेटा है। पापा मुझे बॉबी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हैं? क्या खराबी है उसमें? वो तो मैं नहीं जानती, बट आई जस्ट डोंट लाइक हिम पापा। मैं जानता हूं तुम क्यों पसंद नहीं करती, सिर्फ इसलिए ना कि वो तुम्हारी सौतेली मां का भतीजा है। देखो बेटा, मैं तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता, लेकिन तुम कुछ दिनों के लिए बॉबी को देख लो, परख लो, और अगर पसंद ना आए तो तुम्हारे लिए लड़कों की क्या कमी है? थैंक यू पापा। तुम बहुत तेज दौड़ती हो शालू,
थोड़ी मेहनत और करो तो पीटी उषा की खाली जगह ले सकती हो। थैंक यू। पुलिस से निकाले जाने के बाद कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। पुलिस से निकाली जाओगी तुम? क्यों? हम दोनों को निकाला जाएगा क्योंकि आपका प्लान फेल हो चुका है। हम गए थे लड़का और लड़की का इश्क करवाने और हमारी आंखों के सामने ही लड़की की सगाई हो गई। अरे सगाई हुई है, शादी तो नहीं हुई ना? वो भी हो जाएगी। अरे नहीं हो सकती। तुमने शायद नोट नहीं किया, जिस वक्त लाला ने अपनी बेटी की सगाई का ऐलान किया था उस वक्त लड़की चिढ़कर दूसरे कमरे में चली गई थी। इसका मतलब लड़की को लड़का पसंद नहीं है। मान लिया नहीं है तो ऐसे नाजुक मौके पर अगर हमारी दुखी हीरोइन की जिंदगी में हमारा हंसता हंसाता हीरो आ जाए तो सोचो भला क्या होगा। यू आर अ जीनियस केडी, क्या नजर है तुम्हारी। मुझे हमेशा मतलब की चीज फौरन दिखाई देती है। आइए शर्त लगाइए, मेहरबान कदरदान साहिबान। लगाएंगे तो हार जाएंगे, नहीं लगाएंगे तो पछताएंगे। रुमाल ग्लासेस के नीचे से निकल जाएगा लेकिन एक भी ग्लास हिल नहीं पाएगा, और अगर एक भी ग्लास हिल गया तो आपका पैसा डबल। वेरी गुड, आपने तो कमाल खेला। लिए 200, ये 400, 600 और ये मेरा 1000 और ये 10000 मेरी तरफ से। लेकिन मैंने तो इतनी बड़ी शर्त नहीं लगाई थी। अरे तो अब लगा लो भाई। मुझे मंजूर है लेकिन आप हार जाएंगे। यही तो हम चाहते हैं। ठीक है तो कहिए क्या करना है। बस इतनी सी बात? अरे साहब हम तो कड़ी कमान के तीर हैं, एक बार निकल जाए तो निशाने पे लगे बगैर वापस नहीं आते। कहिए कैसे पटाना है इनको। इन्हें नहीं उन्हें। Too good. अब समझिए कि आप हार गए। ये पैसे हाथ में रखिए, मैं अभी आया। ओ, 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 मेरा। हेलो। जरा कान इधर कीजिए, एक राज की बात कही। जो भी कहना है वहीं से कहिए। मेरे कान काफी तेज है। आओ। और मैं भी। Too good. मैडम मुझे कहना इतना ही कि आप बहुत ही खूबसूरत हैं, और कोई भी खूबसूरत चीज अकेली अच्छी नहीं लगती, उसका जोड़ा होना जरूरी है। अब देखिए ना, भगवान ने भी हर चीज दो ही बनाई है। पेड़ में से पत्तियां दो निकलती हैं, नदी के किनारे दो होते हैं, आंखें भी दो होती हैं, कान भी दो, होंठ भी दो, अर्थात दुनिया में सब जोड़े ही जोड़े। तो फिर आप अकेली क्यों? इसलिए कि दिल एक ही होता है। वाह वाह, क्या बात कही आपने, मजा आ गया। Too good, too good. मगर जब बात दिल तक आई गई तो मैं इतना कहूंगा कि इस पूरे 10000 रुपए में मुझे आप ही की शक्ल नजर आ रही। अगर आप प्यार से मुस्कुरा दें, एक कप चाय पी ले और थोड़ी देर डांस कर ले मेरे साथ, तो इस 10 में से 5000 रुपए आपके हो सकते हैं। अरे मैडम आप जाकर रहिए, अरे बात तो सुनिए, अरे अपनी राय तो बता दी जाइए। हाय, मेरी राय ये है कि मेरी राय से पहले आप उनकी राय जान लीजिए जो आपके सामने खड़े हैं, मेरे मंगेतर बॉबी। मंगेतर? अरे मंगेतर मंगेतर को मारिए गोली आप। तो बॉबी। बॉबी भैया, अरे मैं इनसे यही कह रहा था कि आपके साथ कोई बॉबी भैया जैसा लड़का होना चाहिए। नहीं, you are too good. No, too bad. No, बॉबी भैया। बारिश बारिश नहीं तूफान। साले टकलू, ऐसी लड़की को पटाने भेज दिया जिसका मंगेतर उसके साथ है, अभी मारा मारी हो जाती तो। देखो मेरे दोस्त, असली शिकारी को उसी शिकार में मजा आता है जिसमें खतरा। अगर ये बात ना होती तो लोग जंगल में जाकर शेर का शिकार नहीं करते बल्कि घर में बैठकर चूहे मारते चूहे हैं। ये शेर का शिकार नहीं अंकल, टक्स। ये टक्स क्या होता है? टकलू का शॉर्ट फॉर्म। अरे अगर तुम ये सोचते हो कि मुझे टकलू सुनकर बुरा लगेगा तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। जो जैसा वैसा है। बाय द वे डोंट गेट पर्सनल, ये मेरा साथी मामला है। 10 और 10 20000 रुपया। टू गुड। हेलो अगेन प्रिया जी, ऑन सेकंड थॉट्स, आपको बॉबी जैसे लड़के के साथ नहीं होना चाहिए। वो क्या है कि आपके साथ बैठा हुआ वो ऐसा लगता है कि जैसे सेब में
कीड़ा लग गया हो। अगर आपको सगाई ही करनी थी तो मुझ जैसे लड़के से करती ना, कम से कम साथ में बैठकर शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ता। एए, तुम साला फिर से आ गया। बैठिए बैठिए बैठिए। नहीं बैठेंगे, खड़े रहिए। प्रिया जी, हम दोनों की तरफ जरा गौर से देखिए। मैं दिखने में इनसे ज्यादा खूबसूरत हूँ और लिबास भी ज्यादा बेहतर पहनता हूँ। ये तो कुछ न्यूज़पेपर जैसे लगते हैं। न्यूज़पेपर, अखबार। और गा भी इनसे ज्यादा अच्छा सकता हूँ। इनका तो पता नहीं सुर भी निकलता है कि नहीं। और ना चाल जिसकी इतनी भयानक हो वो नाचेगा क्या? नहीं। नहीं। और मैं जब नाचता हूं ना तो पैर फ्लोर पर नहीं हसीनों के दिल पर पड़ते हैं। था, 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 था। ए। और लड़ने भिड़ने में भी कम नहीं हूँ। कुंग फू, कराटे, बॉक्सिंग, इन सब में काली पेटी है मेरे पास, ब्लैक बेल्ट। कुछ नहीं है तेरे पास सिवाय दबान के, वो भी काट कर रख दूंगा। बिल्कुल गवार है। He is too violent. इसे यहाँ रखिए। इतने बड़े होटल में लड़े झगड़ने की बातें कर रहे हैं। ची 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 ची। भागता है आप? क्या बात कर रहे हैं आप? भागता हूँ ना, रोज भागता हूँ, दो मील भागता हूँ, और आपसे तो तेज ही भागता हूँ। और अगर यकीन ना आए तो साथ में भाग कर देख लीजिए। भागी भागी। टेस्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और अगर इस दौड़ में आप जीते तो इस सारे नाश्ते का पैसा मैं दूंगा। मंजूर? मंजूर है। Too good. लेकिन मैं इसके साथ रेस क्यों लगाऊंगा? इसलिए कि ये प्रिया की बात की इज्जत का सवाल है। All right. ठीक है। जो इस होटल का चक्कर लगाकर पहले वापस आएगा वो जीता। ओके ओके, टू गुड। सो ऐसा करते हैं, आप लेफ्ट से जाइए, मैं राइट से जाता हूँ। प्रिया जी, काउंट प्लीज। अनियमा, अब क्या हुआ? ऐसा क्यों? मैं लेफ्ट से, तू राइट से क्यों? ऐसे ही है। मैं राइट से, तू लेफ्ट से, बस स्मार्ट बनता है क्या? वो क्या है कि होटल गोल है, तो आप लेफ्ट से जाए या राइट से, बात एक ही है बॉबी भैया। प्रिया जी, वंस मोर प्लीज। ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो। हाय, तुम वापस आ गए? एक्चुअली मेरा मकसद रेस लगाने से नहीं था। बैठिए बैठिए प्लीज। मैंने तो शर्त लगाई थी कि आपके साथ बैठकर एक कप चाय पीकर दिखाऊंगा। टू गुड बात। बेचारा बॉबी। प्रिया, तुम्हारी मदद से मैं ये शर्त तो जीत गया। थैंक यू वेरी मच। क्यों चीट? बॉबी भाई, प्रिया, ये चीट है, ये धोखेबाज है, ये झूठा है, ये दवाई नहीं। मुझे बेवकूफ बना दिया। I'll kill you. मैंने तो हार मान ली। ये लीजिए बिल के पैसे, काफी होंगे, और बाकी बच जाए तो आप रख लीजिएगा। प्रिया, बाय। 20,000? 20,000? यस सर, रुपीज 20,000 ओनली। क्यों, किस लिए? शर्त के लिए सर। शर्त? तुम क्या सरकारी पैसे से जुआ खेल रहे हो? जुआ नहीं है सर, शर्त है। वैसे भी शर्त के अलावा कुछ चारा ही नहीं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अगर मैं शर्त हार गया तो समझ लीजिए कि आप शर्त जीत गए। व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग? सर, केडी ने राहुल से शर्त लगाई है कि वो प्रिया को पटा लेगा। पटा लेगा? आई मीन सर, कि राहुल प्रिया को अपने प्रेम के जाल में फंसा लेगा, और राहुल मान भी गया है। What is this stupidity? Nonsense! एक पैसा नहीं मिलेगा। हाँ सर, जरा हिसाब लगाइए, लाला और सूरज के गुंडों पर पुलिस ने कितनी गोलियां वेस्ट की हैं? एक गोली 65 रुपए की है सर। सपोज वो 10,000 गोलियां और चलाते हैं तो मतलब समझ लीजिए 6,50,000 रुपया। 6,50,000 में से अगर 20,000 निकाल दिए तब भी पुलिस को 6,30,000 का फायदा होता है। और इस तरह अगर राहुल और प्रिया का प्याराना हो गया तो हो सकता है आप DIG बना दिए जाए सर। Shut up! Shut up! Nonsense! And get out from here! Yes! Sir! Yes, sir? Yes. Okay. Okay.
थैंक यू सर, मुझे पूरी उम्मीद थी कि बात आपकी समझ में आ जाएगी। बाय बाय सर। हाय प्रिया, हाय बॉबी। अरे हाय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस दिन बॉबी से हार गया था ना, इसलिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ, प्रैक्टिस। क्या ऐसा जादू का नुस्खा मिला है कि सारी हंसी भूल जाओगे? दौड़ता हूँ ना तो हवा भी पीछे रह जाती है, बिहाइंड। और अगर यकीन ना हो तो आज हो जाए फिर से मुकाबला। हा? और इस बार हम दोनों एक ही साथ एक ही डायरेक्शन में दौड़ेंगे। बोलो। नो 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 रे। अरे यार, तुम घोड़े पर और मैं पैदल। तुम घोड़े के साथ रेस लगाओगे? इम्पॉसिबल। तो लगाइए शर्त। 10,000। नहीं प्रिया, ये चीट है। 10,000 मंजूर है। ए मिस्टर, मैं तुम्हारे साथ रेस नहीं लगाऊंगा। ओके ओके, रिलैक्स। नो रेस, नो 10,000 मंजूर है। टू गुड, मैं अभी आया। एक्सक्यूज मी प्रिया, प्रिया ये चीट है, फिर से धोखा देगा भाई। बॉबी, ये अब क्या धोखा दे सकता है? अरे ये क्या कर रहे हो तुम? एक मिनट भाई, ये लाल मिर्च भी कमाल की चीज है। टू गुड, इसके लिए आप ये रख लीजिए अपने पास। थैंक यू। हाँ प्रिया जी, यही वो जादू का नुस्खा है जिसके लगाते ही आदमी के पैरों में पर लग जाते हैं, और उसके बाद वो ऐसा दौड़ता है कि घोड़ा भी अगर उसे सूंघ ले तो तुम दबा कर भाग जाए। यू मिस्टर घोड़े, इधर आइए, कहाँ भाग रहे? इधर आइए, स्टार्टिंग लाइन यहाँ पर है, प्लीज। थैंक यू। रेडी मिस्टर बॉबी? या। गुड। प्रिया जी, आप काउंट शुरू कीजिए। ऑन योर मार्क। यस। गेट सेट। तुझसे ज्यादा बदमाश आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। और इससे ज्यादा सेक्सी हंसी मैंने आज तक नहीं सुनी। टू गुड। आई नो, लेकिन ये नहीं जानती कि तुम्हारा नाम क्या है? प्रेम पुजारी। सच बताओ? राहुल। राहुल, और काम? मोहब्बत। और ये वो काम है जिसमें दूसरे किसी काम के लिए वक्त ही नहीं मिलता। शर्तें लगाने के लिए तो वक्त मिल जाता है। हाँ, वो तो अपनी हॉबी है। वैसे मुझसे मिलने के लिए भी तुमने शर्त लगाई थी ना? और वो शर्त तो मैं जीत भी गया। लेकिन अपना दिल हार गया। ये डायलॉग वैसे आपने कितनी लड़कियों को सुनाया है? ज्यादा नहीं, यही कुछ 5-6। बस सिर्फ 5-6? लेकिन तुम्हारे मामले में बहुत ही सीरियस हूँ प्रिया। मैं वादा करता हूँ कि मैं जो कुछ करूंगा तुम्हारे साथ करूंगा, तुम्हारी सिवा किसी और के साथ नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे प्यार में रोमियो, फरहाद, एक्चुअली मजनू से भी ज्यादा दीवाना हो चुका हूं। ओ मिस्टर दीवाने, जमाना बदल चुका है। तुमने बहुत सी शर्तें लगाई होंगी और जीते भी होगे, लेकिन ये शर्त तुम नहीं जीतोगे। लेकिन प्रिया देखो। नहीं। प्रिया, प्रिया।
सोच लिया मैंने, सुनना चाहता। मैं बुरे धंधे जरूर करता हूं, लेकिन मेरा नाम बुरा नहीं है और तुम मेरा नाम खराब कर रही हो, यह मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रिया, अगर तुम्हें कोई लड़का पहले से पसंद था तो बता देना चाहिए था। अपने डैडी का दिल दुखाने की क्या जरूरत? मैंने किसी का दिल विल नहीं दुखाया। पापा ने कहा था कुछ दिन बॉबी को देख लो, परख लो। मैंने बॉबी को देख भी लिया और परख भी लिया। मुझे बॉबी से शादी नहीं करनी पापा। देखो बेटी, अगर तुम्हें भाई साहब की इज्जत का थोड़ा सा भी ख्याल है तो तुम वही करो जो हम सब कह रहे हैं। अरे वरना सारा शहर इन पर हंसेगा और कहेगा लाला मदनलाल मल्होत्रा अपनी बेटी तक को कब्जे में नहीं रख सकते। क्या मतलब है आपका? लाला मदनलाल मल्होत्रा की बेटी आवारा हो गई है? और नहीं तो क्या। मेरे होते हुए एक गुंडे छोकरे के साथ घूमना फिरना ये आवारगी नहीं तो और क्या है? ओ शरा बॉबी, प्रिया बहुत हो गया। मैंने तुझे उड़ना सिखाया था, मैं तेरे पर काट दूंगा। सुरंदर जी, कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवाओ, 48 घंटे के अंदर अंदर इन दोनों की शादी करवा देता हूँ। देखता हूँ मेरा कहा कैसे नहीं मानती है। पापा, मुझे इसका अफसोस नहीं कि प्रिया की शादी उस बुजदिल के साथ हो रही है। अफसोस तो इस बात का है कि तुम जैसा बहादुर लड़का हार गया। और ये कर भी क्या सकता था केडी, वो राहुल के बाप के जानी दुश्मन की बेटी है।
दुश्मन के साथ पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था भूल गई तुम? क्या किया था ये चौहान साहब ने? वो अपनी महबूबा संयुक्ता को शादी के मंडप से उठा कर ले गया था। क्या मतलब अगवा? यू मीन मिस्टर चौहान ने मिस संयुक्ता को किडनैप करके मिसेस चौहान बना लिया। टू गुड। या। लेकिन किसी ने उसे रोका नहीं? अरे राजा जयचंद करता भी तो क्या, तलवार चला नहीं सकता था, तीर चलाता तो सीधा संयुक्ता को लगता। पृथ्वीराज चौहान घोड़ा दौड़ा दौड़ा कर आए और संयुक्ता को लेकर फुर। लेकिन कहां पृथ्वीराज चौहान और कहां राहुल? राहुल अपना मुंह देख क्या, वैसे की धुनकी में हर तीसरा आदमी बाप बन जाता है। बाप बन जाता है? बाप ये तो मेरे बाप का हाथ है, मैं ही तेरा बाप हूँ समझा। ये मैडम मेरा मुंह क्या देख रही, चलो उठो उठो यहाँ से, गेट आउट फ्रॉम हियर, कम ऑन, बहुत हो गया, बहुत हो गया नाटक गाना, चलो उठो। ये मैडम चलो आउट, गेट आउट। हुजूर मालिक सलामत रखे, जोड़ी बनी रहे, लड़के वालों की तरफ से जोड़ा आया है। जोड़ा? लेकिन सुरेंद्र ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया था। अरे आप आने भी दीजिए ना, हमारी एक ही तो बेटी है और भाई साहब का एक ही बेटा, दिल के सारे अरमान निकाल लेने दीजिए ना। ठीक है आने दो। बाढ़ आ गई, फ्लड, हेल्प 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 हेल्प। चुल्लू भर पानी को तू बाढ़ कह रहा है? आज से तेरा ये गांजा चरस शराब लड़कियां सब बंद। बट व्हाई दैट, व्हाई व्हाई? क्योंकि तेरी शादी होने वाली है, दैट्स व्हाई। शादी की कीमत इतनी महंगी? नो आजादी, मुझे नहीं करनी है शादी। अबे इडियट, ये तेरी शादी नहीं, मेरा सपना है जो साकार होने जा रहा है। 15 साल मैंने मेहनत की है, लाला की तिजोरी की चाबी हासिल करने के लिए मैंने लाला को उसके दोस्त से अलग किया, लाला की बीवी को रास्ते से हटाया, अपनी बहन की शादी लाला से करवाई, और अब मुश्किल से प्रिया की शादी तुझसे करवाने के लिए राजी किया है मैंने। आई लव यू डैड, आई लव यू। चलिए लेट्स गो। कहाँ जा रहा है? प्रिया के घर नेचुरली। क्यों? क्योंकि आपने प्रिया को मुंह जैसा तूना दिलाया है इस बात की मुबारकबाद देने के लिए डैड। अरे बेवकूफ, तुझे इतना नहीं मालूम शादी की एक रात पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे की सूरत नहीं देखते। रियली? नो मीटिंग नो मिलन? ओके 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 ओके। संभाल ले अपने आप को, सुधार ले। एक बार तेरी प्रिया के साथ शादी हो गई ना तो हमारे हाथों में इतनी दौलत आ जाएगी, इतनी ताकत आ जाएगी कि हम सारे शहर का बैंड बजा देंगे। बैंड सके तो रोक, मैं तुझे लेने आया। रोक सके तो रोक, मैं तुझे लेने आया। तोहफा मोहब्बत का मैं तुझे देने आया। रोक सके तो रोक, मैं तुझे लेने आया। तुझे देने आया, हाँ रोक सके तो रोक, मैं तुझे लेने आया। हाँ
होंगे मोहब्बत के दुश्मन हजार, इसकी तो परवाह मुझको न यार। दिल की लगी क्यों है बतलाऊंगा, सारे जमाने से टकराऊंगा। मैं हूं पागल दीवाना, करेगा क्या जमाना ये समझना दीवानी के मैं डर जाऊंगा। तुझे देने आया, आ रोक सके तो रोक, मैं तुझे लेने आया। तुझे देने आया, हाँ रोक सके तो रोक, मैं तुझे लेने आया। पहले सोच लेना लाला, अगर निशाना गलत लगा तो तुम्हारी ही बेटी मारी जाएगी, और अगर निशाना सही लगा तो मेरा बाप सूरज सिंह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्यों लगी ना बात निशाने पर? टू गुड। सूरज बाहर निकल, सूरज
को सूरज ढूंढ रहा है लाले, लगता है तेरी जिंदगी में अंधेरा बहुत बढ़ गया है। बोल क्यों आया है? एक भूल का सुधार करने आया हूं कमीने। मैं समझता था कि तेरा बेटा एक शरीफ औरत की औलाद है जिसने कभी मुझे भाई कहा था, इसलिए उसमें थोड़ी सी शराफत भी होगी। लेकिन लेकिन आज मुझे पता चला वो सिर्फ तेरा बेटा है, सिर्फ तेरा। उसके खून में भी वही कमीनगी है जो तेरे खून में है। निकाल बाहर उस चूहे के बच्चे को जो बाप के बिल में जा घुसा है, वरना वरना आज ये इलाका खंडर बना दूंगा। ओए लाला, बेवकूफी मत कर। हमारे घर में हम पे वार करके तू जिंदा नहीं बचेगा। अब बता, हमारे बिटवा ने क्या किया है? तेरा बेटा मेरे घर से मेरी बेटी को उठाकर लाया है। बता कहां है मेरी बेटी? अगर तू सच कह रहा है लाला, तो हम अपने राहुल को इसकी सजा जरूर देंगे। हम तुमसे वादा करते हैं लाला कि 24 घंटों के अंदर हम तुम्हारी प्रिया को खुद तुम्हारे घर वापस लेकर आएंगे। ठीक है सूरज, लेकिन याद रख, अगर 24 घंटे के अंदर मेरी बेटी मेरे हवाले नहीं की गई तो मां कसम तू उम्र भर अपने बेटे को रोएगा। मैं जीत गया। गुड इवनिंग शालिनी जी, कैसी हैं आप? मैं जीत गया भाई। सॉरी अंकल टक्स, जीते आप नहीं, जीता मैं। निकालिए 20,000 रुपए। 20,000? कौन सी 20,000 रुपए? अरे आपने मुझसे शर्त लगाई थी लड़की को पटाने की और अपने साथ लाने की। मैंने अपनी शर्त पूरी कर दी है, और अगर आपने बेईमानी करने की सोची भी तो अच्छा नहीं होगा। तुम मजाक कर रहे हो? मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। रियली? लेकिन तुम तो प्रिया से प्यार करते हो ना? प्यार? मैंने तो ये सारा ड्रामा सिर्फ शर्त के लिए किया था। अब आप माल निकालिए और तारीफ कीजिए कि क्या ड्रामा था। वाह वाह। लेकिन तुम तो राहुल से प्यार करती हो ना? प्यार? मैं तो इसके साथ इसलिए आ गई थी क्योंकि मुझे बॉबी से शादी नहीं करनी थी, वरना अपने बाप के दुश्मन के ऊपर तो मैं थूकू भी नहीं। मगर मैं अपने बाप के दुश्मन पर थूकने के लिए तैयार हूँ। How dare you, बदतमीज। Too good. अरे ये क्या बदतमीजी अंकल टक्स? ये बदतमीजी नहीं है भतीजे, सेकंड एक्ट की शुरुआत है। सेकंड एक्ट? जी, यहाँ से शुरू होता है ऑपरेशन प्याराना पार्ट 2। हाँ तो मिस्टर राहुल सूरज प्रसाद सिंह, क्या ख्याल है आपका? ख्याल तो बहुत अच्छा है, और खुशी इस बात की है अंकल टक्स कि आपने घर बहुत अच्छा चुना है। थैंक यू। लेकिन दुख इस बात का है कि आपकी मौत भी इसी घर में होगी। क्या? जी हाँ, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको किस किस्म की मौत पसंद है? नेचुरली जो आराम से आ जाए भाई। आराम की मौत आपकी किस्मत में है नहीं। क्यों? वो इसलिए कि अब तक मेरे बाप और इनके बाप आपको शहर के हर गटर में ढूंढ चुके होंगे। गटर? जी हाँ, और अगर आप शहर में नहीं मिले तो वो बाहर निकलेंगे, और आज नहीं तो कल यहाँ पर पहुंच ही जाएंगे और आपसे फिर यही सवाल करेंगे जो मैंने इस वक्त अभी आपसे किया। तो अच्छा होगा कि आप सोचकर मुझे बताएं अंकल तक कि आपको किस किस्म की मौत पसंद है। और चालू जी, खाना तो आपका कमाल का था। टू गुड। एक बात मेरी भी सुन लो, कभी कभी अकल को धूप दिखा दिया करो, वरना पड़े पड़े सड़ जाएगी। क्या मतलब? मतलब मैं बताती हूँ, तुम्हारे बाप को ये पता कैसे चलेगा कि इस चाल के पीछे केडी का हाथ है? दुनिया के सामने लड़की लेकर तुम भागे हो, तलाश तुम्हारी हो रही होगी। दूसरी बात, आदमी चोर को हर जगह ढूंढता है लेकिन अपने घर पर कभी नहीं ढूंढता। वैसे बरकरार, तुम्हारी इत्तला के लिए
ये बंगला तुम्हारे बाप का ही है। मेरे बाप का? जी हाँ, जिस पर मैंने कब्जा कर लिया है और पहरेदारों को पार्सल कर दिया, इसलिए तुम्हारा बाप यहाँ कभी नहीं आ सकता। तो फिर मेरे आप बाबूजी को नहीं जानते? हाँ। वो यहाँ आएंगे? हाँ। जरूर आएंगे। चाह तो लगा लो शर्त। सॉरी, लग गई। तुम और तुम्हारी शर्तें, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ब्लडी हेल। ओ शराब। अरे अरे, आप पीछे क्यों आ रहे हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? एक मिनट रुको, एक हाथ मारूंगा दांत निकाल दूंगा, समझी? नाकू देखे, आंखें निकाल दूंगी। ए बढ़िया, आंखें निकालने वाली, जा पीछे आ, पीछे आ। अरे क्लाउड किया? अरे अंकल क्या कर रहे हो? आपको हथकड़ी लगाएंगे। चाबी? चाबी मेरे पास नहीं है। चाबी? मैंने कहा चाबी मेरे पास। चाबी दो अंकल टक। अरे मेरे पास नहीं है चाबी। उधर ढूंढो। हाँ। मेरे पास क्या ढूंढो? अरे चाबी कैसे नहीं है? जो दुगुनी हो रही है, मत करो। मत करो। चाबी दे दे। मत करो, मत करो। चाबी यहाँ है और अब यही रहेगी। केडी, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि साइकोलॉजी की सारी किताबों को आग लगा दूं। क्यों? सब आंकड़े गलत है। एक सुंदर जवान लड़का प्लस एक सुंदर जवान लड़की इज इक्वल टू जवान मोहब्बत। सब अकवास है, झूठ है। इतनी जल्दी हिम्मत हार बैठे? हिम्मत हारने की बात नहीं है शालू, दुख तो इस बात का है कि मेरा सारा प्लान गलत निकला। तुम्हारा प्लान अनोखा जरूर है केटी, मगर गलत नहीं है। ये हो ही नहीं सकता कि एक दूसरे के इतने पास होकर भी राहुल और प्रिया एक दूसरे से दूर रह सके। कामदेव की कमान से तीर निकल चुका है, बस अब निशाने पर लगने की देर है। जमाने को अब तक नहीं है पता, अगर हो गई हमसे कोई खता। जमाने को अब तक नहीं है पता, अगर हो गई हमसे कोई खता। कहीं शोर मच गया तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। जमाने को अब तक नहीं है पता, अगर हो गई हमसे कोई खता। कहीं शोर मच गया तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। Bye.
कब से मोती चुरा लूं लब से बाहों में बाहें डालो मुझको गले से लगा लो तुम्हें देख के हो रहा है नशा अगर हो गई हमसे कोई खता कहीं शोर मच गया तो क्या होगा 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 गुड गुड शालू तुमने ठीक ही कहा था कामदेव की कमान से निकला तीर निशाने पर लगी गया मुबारक हो मुबारक हो प्रिया मुबारक हो राहुल मुबारक हो बेटे बहुत बहुत मुबारक हो हम तो कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि हमरा नाम ऊंचा करने के लिए हमरा बेटा हमरे दुश्मन की बेटी को उठाकर हमरे ही घर ले आएगा बाबूजी ऐसी बात नहीं है बस समीज बेटी दोस्त की हो या दुश्मन की वो बेटी होती है और किसी भी बेटी को उसके बाप के घर से भगाया नहीं जाता बल्कि उसे डोरी चढ़ाकर विदा किया जाता है मैं इसे भगा कर नहीं लाया हूं बाबूजी ये खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ आई है देखिए आप गलत मत समझिए मैं घर से इसलिए भाग कर आई थी कि मुझे उस बेवकूफ बॉबी से पीछा छुड़ाना था झूठ मत बोलो मेरे बच्चों और इन बंदूकों से बिल्कुल मत डरो बहादुर वो होता है जो मौत के सामने सच बोलने की हिम्मत दिखाए कह दो इनसे कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो ये तो सिर्फ एक नाटक था अंकल डक्स नाटक और नहीं तो क्या प्यार हो जाता है जबरदस्ती कराया नहीं जाता तो क्या तुम दोनों अरे जरा ठहरो हमें भी तो समझाओ इतनी देर से का बक बक हो रही है कौन किसके साथ जबरदस्ती कर रहा है बोलो मैं आपको समझाता हूँ बाबूजी ये पागल आदमी ये इंस्पेक्टर केडी सिंह है इन्होंने प्लान बनाया था कि अगर हम दोनों में प्यार हो जाए तो आपकी और लाला की दोस्ती एक बार फिर से हो जाएगी मगर हमरी और लाला की दोस्ती से इस पगलुओं को क्या फायदा होगा मुझे नहीं सारे शहर को सारे देश को फायदा होगा तुम दोनों की गैंग वॉर बंद हो जाएगी तो कितने बेगुनाहों की जान बचेगी लोग आराम से सोएंगे इत्मीनान से अपने अपने काम पर जाएंगे ये आए दिन की मारामारी सड़कों पर बंद हो जाएगी हर तरफ सुख होगा चैन होगा शांति होगी अमन होगा हम तो सोच रहे थे कि राहुल को फंसाने की कोशिश में तुझे किसी नदी या तालाब में दफन कर देंगे ना तेरी अर्थी उठे ना ही तेरी समाधि बने लेकिन अब हम सोचते हैं कि तू जैसे सीधे आदमी को मारना गौ हत्या के समान पाप होगा जाओ हम तुमको माफ किया ए प्रिया लाला ने हमको बहुत गालियां दी है लेकिन उसके जवाब में हम उसे गाली नहीं बल्कि उसकी बेटी इज्जत के साथ लौट आएंगे चलो हमारे साथ चौबीस घंटे का वादा करके गया था सुअर का बच्चा मुझे मालूम था उसके वादे पर यकीन करना लाला सूरज सिंह जब कोई वादा करता है तो उसे जरूर पूरा करता है संभाल अपनी बिटिया को प्रिया मेरी बच्ची तू ठीक तो है ना अब पूछ अपनी बिटिया से कैसे हमरा बेटा भगा कर ले गया था या खुद अपनी मर्जी से गई थी बोलती क्यों नहीं जवाब दे मैं खुद अपनी मर्जी से गई थी सुन लिया लाला दूसरों को बदसूरत कहने से पहले अगर खुद की सूरत आईने में देख ली होती
तो आज तुमने बेटी का तमाचा तुम्हारे मुंह पर इस तरह नहीं पड़ा होता। आज तेरी वजह से वो मुझे गाली देकर गया, मेरे दरवाजे पर आकर मुझे जलील करके गया तेरी वजह से। अगर तू मेरा खून ना होती तो मैं दफा हो जा। I said get out! तुमने मुझे बीमार कर दिया है। अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं तुम्हें अंदर घुसने नहीं देता, बाहर से जूते लगवा के निकलवा देता तुम्हें। सारा शहर हंस रहा है, पुलिस एक जोक बन के रह गई है, एक आदमी की वजह से, सिर्फ एक आदमी की वजह से। यू आर फायर्ड, और आज के बाद तुम्हारी शक्ल भी मुझे नजर आई तो आई विल किल यू। गेट आउट। सर, केडी का इरादा बुरा नहीं था। शट अप, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अरे भाई साहब, वो तो बच्ची है, अभी उसकी उम्र ही क्या है जो सूरज जैसे बदमाश की चालें समझ सके। अगर सूरज की चाल होती तो फिर वो प्रिया को वापस क्यों करता भाई साहब? वो तो ये ठीक कह रहे हैं भैया, इसमें दोष किसी का नहीं है, दोष सिर्फ उस बदमाश केडी सिंह का है जिसने जबरदस्ती मेरी मासूम बच्ची को रोक के रखा। केडी को तो इस हरकत की ऐसी सजा मिलेगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि मुझे आज भी यकीन है कि नफरत को नफरत से नहीं मोहब्बत से ही जीता जा सकता है। निराश होने की जरूरत नहीं है केडी, तुम्हारा एक तजुर्बा फेल हुआ है लेकिन तुम्हारी थ्योरी फेल नहीं हुई। थैंक यू शालू, हारे हुए खिलाड़ी को हमदर्दी भी इनाम लगती है। तेरा इनाम ये नहीं है, असली इनाम तो हम देंगे। हम ये क्या बदतमीजी है, जानते हो मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ? पुलिस ऑफिसर थे मिस्टर केडी थे, और ये दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की सजा है। रुक जाओ, लेकिन मैं अभी पुलिस ऑफिसर हूँ। और ये मेरे खिलाफ मेरी मंगेतर को भड़काने के लिए। ये मेरे फ्यूचर प्लान को बर्बाद करने के लिए। दोबारा होशियारी मारने की कोशिश ना कर। अगर इन्होंने 12 घंटे गुजार लिए तो फिर बचने की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब, देखिए इस समय मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। आई एम सॉरी। अबे उल्लू के पट्टे, अगर शालू ने बयान दे दिया है और पुलिस केडी के होश में आने का इंतजार कर रही है तो तू जानता क्या होगा, हम दोनों को फांसी हो जाएगी, फांसी। अब तो एक ही रास्ता रह गया है,
अस्पताल में ही उसे खत्म कर देना चाहिए। ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने खुद अपने कानों से सुना है। अंकल टक्स को यहाँ से शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। मैं अभी पुलिस हेडक्वार्टर्स फोन लगाती हूँ। नहीं नहीं, जब तक पुलिस यहाँ पर पहुंचेगी हमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जल्दी कीजिए, वो लोग आते ही होंगे। आइए चलिए। वो सारा इंस्पेक्टर केडी सिंह कौन से रूम में है? आप कौन है? बताती है केडी सिंह का कमरा कौन सा है? या उड़ा दूं खोपड़ी। ICU 5th फ्लोर। राहुल वापस वापस। प्रिया इसे पकड़ो। राहुल तुम लोग जाओ। जी जाओ। उधर से जाओ, तुम इधर से। Let's go। उधर प्रिया, उधर। उल्लू की जान बचा लोगी? Thank you.
प्रिया। प्रिया केडी को होश आ गया है, वो तुम दोनों से बात करना चाहता है। बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। शालू मुझे सब कुछ बता चुकी है, अगर तुम दोनों ना होते तो शायद इस वक्त मैं अस्पताल में होता, लेकिन वहां के मुर्दा खाने में। मैं मामा और बॉबी को छोड़ूंगी नहीं, उनसे आपका बदला जरूर लूंगी। तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी। मगर क्यों? भूल मेरी ही थी, कोई जरूरी नहीं कि दो जवान दिलों को पास पास ला दिया जाए तो वो मोहब्बत करने ही लगे। ये सब कहने की बातें हैं कि आग और तेल को पास पास रख दिया जाए तो शोले उठेंगे, तेल ज्यादा हो तो वो आग को बुझा भी देता है। दरअसल मोहब्बत की नहीं जाती, कराई भी नहीं जाती, मोहब्बत तो बस खुद ब खुद हो जाती है। मैं अपनी भूल की तुम दोनों से माफी मांगता हूं बच्चों। मेरी वजह से तुम दोनों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। अब एक आखिरी एहसान और कर दो मुझ पर, तुम दोनों अपने अपने घर चले जाओ। मेरी शुभकामनाएं तुम दोनों के साथ हैं, भगवान तुम दोनों को खुश रखे। लब पे दिल की बात है आई, मैं कैसे खामोश रहूं। धड़कन कहती है जो मुझसे, कैसे तुझसे वो बात कहूं। ये है मेरा फैसला, क्या है तेरा फैसला।
मुझे एतबार है। दिल क्या है तुझ पे मेरी जान निसार है। होना था एक दिन दिल को दीवाना, किस्मत में तो था ये प्यार आना। चाहे दुनिया हो खफा, बात तुम दोनों ने कुछ दिन पहले बताई होती तो शायद मैं खुशी से नाचने लगता, लेकिन अब मैं हालात समझ चुका हूं और तुम दोनों भी हालात समझने की कोशिश करो। अगर तुम लोगों ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की तो लाला और सूरज सिंह में दोस्ती नहीं बल्कि दुश्मनी और बढ़ जाएगी, और उनकी दुश्मनी का नतीजा क्या होगा ये तुम दोनों अच्छी तरह जानते हो। अगर तुम दोनों शादी करना चाहते हो तो बगावत करके नहीं, सबकी खुशी से करो, अपने माँ बाप को समझाओ। अरे नहीं, वो कभी नहीं समझ सकते। वो ऐसे दुश्मन है जो कभी दोस्त नहीं हो सकते। मगर दुश्मनी से पहले वो दोस्त थे। अगर तुम दोनों का प्यार सच्चा है तो जीत तुम्हारी होगी। तुम्हारी मोहब्बत के आगे उनकी जिद हार जाएगी और वो फिर से दोस्त बन जाएंगे। जाओ इस वक्त घर जाओ। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी। और मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगा। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। प्लीज अंकल टक्स। कोई अंकल टक्स वक्स नहीं, जाओ यहाँ से। मगर इतनी रात को इस वक्त अंकल टैक्स, ना कोई गाड़ी है ना कोई गाड़ी वाड़ी कुछ अंकल टैक्स, बात तो सुनिए ना। ऐसा मत कीजिए, शाहाना जाओ यहां से। हमारी कोई बात नहीं, हमें घर भेजिए प्लीज। अंकल टैक्स इतनी रात को हम लोग कहां जाएंगे? रहने दो प्रिया, इनके सीने में दिल नहीं पत्थर है। चलो लेट्स गो। Thank you.
जीना यहाँ मरना यहाँ गाड़ी बिना जाना कहाँ। लेकिन हुआ क्या? प्यार हुआ इकरार हुआ है गाड़ी हमारी चलती नहीं। अरे गाड़ी नहीं चलती तो पैदल जाओ पैदल। पैदल बरसात में दिना दिन दिना दिन बरसात में हमसे मिले तुम सजन तुमसे मिले हम बरसात में दिना दिन नो तक दिना दिन मैं गाड़ी का इंतजाम करता हूँ। फोन भी कम वक्त केटी क्या है क्या इधर आओ उन्हों शादी से पहले बर्बादी अब तो एक ही तरीका रह गया है। चलो, चलो, अंकल डॉक्टर बात तो सुनिए ना। चलो जी प्लीज आप मुझे मत कीजिए। राहुल, प्लीज, प्रिया चुपचाप ऊपर चलो। प्रिया, अंकल डॉक्टर तेरा
किसे अब है चैन कहाँ, अब है नींद किसे अब है चैन कहाँ। तुझसे पूछूं एक सवाल, बोल जरा क्या है तेरा हाल। तुझसे पूछूं एक सवाल, बोल जरा क्या है तेरा हाल। क्या मेरी किसे अब है चैन कहाँ, अब है नींद किसे अब है चैन कहाँ। होश उड़ाए तेरा शबाब, मेरे सवाल का दे तू जवाब। होश उड़ाए तेरा शबाब, मेरे सवाल का दे तू जवाब। क्या तेरा दिल भी ऐसे धड़कता है, क्या तेरा चैन कहाँ, अब है नींद किसे अब है चैन कहाँ। नहीं, हरगिज नहीं, मैं तुझे गोली मार सकता हूँ, इस घर से तेरी आस्ती जाते हुए देख सकता हूँ, मगर तेरी डोली उस कमीने के घर जाते हुए कभी नहीं देख सकता। दुश्मन आपका है, लड़ाई आपकी है, नफरत आप उससे करते हैं, मगर मैं तो अपनी मोहब्बत, अपनी खुशी, अपनी जिंदगी की बात कर रहा हूं। आप क्यों चाहते हैं कि मैं आपके लिए अपने आप को कुर्बान कर दूं, अपने हाथों अपनी मोहब्बत को दफना दूं? मैं आपका बेटा हूं, आपके घर में पैदा हुआ हूं, अगर आपके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? इसलिए कि वो जलील है, कमीना है, नमक हराम है। वो इतना जहरीला है कि सांप से दोस्ती की जा सकती है, मगर सूरज सिंह से हाथ कभी नहीं मिला जा सकता। हमें तेरे प्यार की शिकस्त नहीं चाहिए, लेकिन हम अपनी नजरों में गिरना भी नहीं चाहते। हम तुझे बहुत प्यार करते हैं, तुझे बहुत चाहते हैं, तेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो चाहे जो मांगे वो दे सकते हैं, लेकिन हम लाला के सामने झुककर अपना दामन फैलाकर उसकी बेटी का हाथ नहीं मांग सकते। तो मैं मान नहीं सकती कि जो आदमी अपने दुश्मन की बेटी को इज्जत से उसके घर पहुंचाए और अपने बेटे को सजा दे, वो जलील, कमीना और नमक हराम हो सकता है? ये कैसे हो सकता है पापा, जवाब दीजिए। बदतमीज लड़की, तू जानना चाहती है कि सूर्य सिंह की असलियत क्या है? तो सुन, उसने मुझसे दोस्ती की, तेरी मां को अपनी बहन, अपनी भाभी कहा, और फिर उसी को अपने जाल में फंसा लिया। तेरी मां को, तेरी जलील मां और उस कमीने का संबंध था, सुना तूने? उन दोनों का संबंध था, इसलिए मैं जिंदगी भर उसे माफ नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुझे जहर दे सकता हूं, लेकिन तेरी शादी उस सांप की औलाद के साथ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अब तू समझी कि वो मेरा दुश्मन क्यों है, वो कमीना मेरा दुश्मन क्यों है? लेकिन इतनी बड़ी गलतफहमी एकदम से तो नहीं होती, इसका कोई तो कारण जरूर होगा। कारण का पता नहीं, हम उस वक्त पूना में थे, सरिता भाभी का फोन आया, वो बहुत घबराई हुई थी और उन्होंने हमें खंडाला वाले बंगले में बुलाया। भाभी, 1 करोड़ रुपया हमारी प्रिया की जान से ज्यादा नहीं है, लेकिन हमारा दिल कहता है। भाई साहब, उसने कहा है कि अगर मैंने जरा भी होठ हिलाए तो वो प्रिया को। अरे भौजी, किसी ने आपके साथ जरूर मजाक किया है। ऐसा मजाक कौन कर सकता है? अरे मजाक ही होगा भौजी, मजाक ही होगा, वरना बंबई शहर में अभी तक कोई ऐसा जिगर वाला माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो हमारे लाला की बिटिया का सपने में भी बाल बाका कर सके। लेकिन उसने कहा है कि वो प्रिया को। भौजी, हम आपकी सौगंध खाकर कहते हैं कि जिसने ऐसी बदसगुनी वाली नीच और जलील हरकत की है, हम उसके जुबान तो क्या, उसके बदन के टुकड़े टुकड़े करके आपके कदमों में डाल देंगे। आप दोनों दोस्तों को तो बस खून खराबे की भाषा के सिवा और कुछ आता ही नहीं है।
भाई साहब कुछ कीजिए, मुझे तो सिर्फ अपनी बेटी सही सलामत वापस चाहिए। ए भौजी हिम्मत रखिए, आपकी बिटिया सही सलामत मिलेगी आपको। अगर प्रिया को कुछ हो गया तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी, क्या जवाब दूंगी? भाभी आपकी प्रिया को कुछ नहीं होगा। और हम जब होश में आए तो हमें यह बताया गया कि हमने सरिता भाभी की इज्जत पे हाथ डाला, इसलिए सरिता भाभी ने हमें गोली मारकर खुद भी आत्महत्या कर ली। हमने बेटे लाला से मिलकर सफाई देने की बहुत कोशिश की, मगर तब तक लाला हमारे खून का प्यासा हो चुका था। वो हमारी सूरत देखने, आवाज सुनने के लिए भी तैयार नहीं था। मैं जानती हूं ये सब झूठ है, तुम ऐसे नहीं हो सकते, तुम ऐसे नहीं हो सकते। बीबी जी साहब बुला रहे हैं। पापा आपने मुझे बुलाया? न जाने मैंने तुम्हें क्या कुछ कह डाला। आई एम सॉरी, लेकिन तुमने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुमने मेरे सारे पुराने जख्मों को छील डाला। बेटा तू उसके पास मत जाना, मुझे छोड़कर मत जाना बेटा, मुझे छोड़कर मत जाना। ठीक है पापा, मैं वही करूंगी जो आप कहेंगे। मगर आपको मेरा एक काम आना पड़ेगा, आप मुझे बॉबी से शादी करने पर मजबूर नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। प्रिया, 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 राहुल। क्यों आ रहा हूं? मैं तुम्हें यहां से ले जाने आया हूं प्रिया। मैं नहीं आ सकती। डरो मत, हम ऐसी जगह जाकर घर बसाएंगे जहां पर नफरत करने वाला कोई नहीं होगा। नफरत का कोई ना कोई कारण होता है। किस कारण की बात कर रही हो तुम? वही जो तुम्हारे और मेरे पापा के बीच में दुश्मनी की। मैं किसी दुश्मनी को नहीं मानता, उन लोगों को लड़ना है तो लड़ने दो, हम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करें? जब तुम जानते हो सब कुछ खत्म हो चुका है तो इन बातों से क्या फायदा? प्रिया ऐसा भी तो हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो चुका है। तो क्या तुम मुझसे प्यार करना छोड़ दोगी, नफरत करने लगोगी मुझसे, ये जानते हुए भी कि मेरा कोई कसूर नहीं? मैं जानती हूं राहुल तुम्हारा कोई कसूर नहीं, लेकिन आज पहली बार मैंने पापा की आंखों में आंसू देखे, और अगर मैं उनको अकेला छोड़कर चली गई तो वो टूट जाएंगे राहुल, जीते जी मर जाएंगे। तो क्या मैं जी सकूंगा तुम्हारे बिना? मैं भी नहीं जी पाऊंगी तुम्हारे बगैर राहुल। अब तुम जाओ यहां से, मेरी बात समझने की कोशिश करो राहुल। जिंदगी में कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो ना चाहते हुए भी कबूल करने पड़ते हैं। अब तुम जाओ राहुल, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, अगर मैं तुम्हारी नहीं बनी तो किसी की नहीं बनूंगी। जाओ राहुल, प्लीज जाओ, प्लीज। ठीक है प्रिया, मैं यहाँ से तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया था, लेकिन अब इस भरोसे के साथ जा रहा हूँ कि तुम हमेशा मेरी रहोगी, सिर्फ मेरी। वादा करो प्रिया।
I promise, Rahul. Priya, I love you, Priya. Rahul. I love you too. Too good. प्रिया बेटी, लो तुम यहां बैठी हो। अच्छा किया तुमने, अरे बहुत ही अच्छा किया जो बॉबी के साथ शादी करने से इनकार कर दिया तुमने। मुझे बुरा नहीं लगा, बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अरे बॉबी मेरा बेटा हुआ तो क्या हुआ है, तो वो निकम्मा बदमाश, चरस पीता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है और ना जाने क्या क्या करता है वो। मैंने तो बस ये सोचा था बेटी कि तुझसे शादी हो जाएगी तो तू सुधार देगी उसे, और फिर आपस का ही मामला है, घर की दौलत घर में ही रहेगी। मगर उसकी किस्मत ही है खराब, तो कोई क्या करे। आपको कुछ और कहना है? हाँ बेटी, जब तुम चली गई थी ना तो मैंने मानता मानी थी कि अगर मेरी प्रिया खैरियत से लौट आई तो उसे लेकर देवी माँ के दर्शन को आऊंगा। बस आज मेरी मानता पूरी हो जाएगी। मामा जी, ये आप मुझे कहाँ ले आए? अरे देवी माँ के मंदिर लाया हूँ, आओ आओ आओ। लेकिन ये सब? अरे ये सब मेरी तरह देवी माँ के भक्त हैं, उनकी हिफाजत के लिए मैंने ये सब अंगरक्षक छोड़ रखे हैं। आओ आओ। यही है वो देवी जिसे तुम माँ कहोगी। माँ? हाँ भाभी, देखो किसे लेकर आया हूं आज। प्रिया, माँ, प्रिया बेटी, बेटी, माँ, बेटी, बेटी, माँ। भाभी से वादा किया था ना कि एक दिन बेटी से मिलवाऊंगा, तो मिलवा दिया। कितनी बड़ी हो गई, मैंने तो समझा था कि तुम। अरे बेटी, तेरी माँ को जिंदा रखने के लिए मैंने कितने जतन किए हैं वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। हाँ। इस राक्षस के मन में इतनी दया कैसे आई जो आज बेटी को माँ से मिलाने ले आए? जरूर इसमें भी कोई चाल होगी। इसकी चाल तो मैं अब कुछ कुछ समझने लगी हूँ, लेकिन मुझे। लेकिन पूरी कहानी तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। प्रिया बेटी, बहुत पुरानी बात है, जब लोग सूरज और लाला की दोस्ती की कस्में खाया करते थे, मुझे अंदाजा हुआ कि ये दोस्ती नहीं, मेरी तरक्की पर लगा हुआ ताला है, और इस ताले को खोलने के लिए मैंने एक प्लान बनाया, और उस प्लान के मुताबिक एक दिन मेरी बहन निशा तुम्हें लेकर घर से निकली, और मैंने तुम्हारी माँ को लाला के ऑफिस से फोन किया। हेलो। हेलो, कौन है आप? मैं कौन हूं इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा? इस वक्त तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी बेटी प्रिया घर पर नहीं है। क्या, प्रिया घर पर नहीं है? प्रिया घर पर होती तो मिलती ना। फिर ठीक दो मिनट बाद मैंने दोबारा फोन किया। कौन है आप और क्या चाहते हैं? सिर्फ 1 करोड़ रुपया, जल्दी से लेकर खंडाला पहुंच जाओ। ज़बान बंद रखना। उसके बाद मैं लाला की सेक्रेटरी के पास गया। अंजलि। यस सर। एक पागल औरत मुझे बार बार फोन करके परेशान कर रही है, कहती है कि मैं भाई साहब की पत्नी बोल रही हूँ। उसका कोई फोन तो नहीं आना? नहीं तो ठीक है, अगर उसका फोन आया ना तो कह देना कि भाई साहब ऑफिस में ही नहीं है। जी। हेलो, जरा लाला जी को फोन देना। लेकिन मैडम, साहब तो ऑफिस में नहीं है। और मुझे पता था
कि ऐसी हालत में आप अपने सूरज भाई साहब को जरूर फोन करेंगी, सो आपने किया। लेकिन भौजी ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी है? मैंने कहा ना भाई साहब, मैं आपको फोन पर नहीं बता सकती, मैं अभी बम्बई से निकल रही हूँ, आप मुझे खंडाला वाले बंगले पर मिलिए प्लीज। प्लान बिल्कुल सही जा रहा था, फिर मैंने जाकर लाला को आपके और सूरज सिंह के नाजायज रिश्ते के बारे में सारी पट्टी पढ़ा दी। क्या बक रहे हो तुम? अब मैं आपको कैसे बताऊं? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो तब तक निशा प्रिया को घर वापस लेकर आ गई। हेलो सरिता को फोन दो। जी वो घर में नहीं है। तुम कौन बोल रही हो? मैं निशा बोल रही हूँ, तुम्हारे पापा का फोन है, ये प्रिया बात करेगी आपसे। हेलो पापा। हेलो बेटा, मम्मी कहाँ? पता नहीं। भाई साहब अब आप सूरज के यहाँ फोन करेंगे तो पता चलेगा कि वो भी घर पे नहीं है, और फिर जब लाला ने पुनः फोन किया तो पता चला कि सूरज सिंह तो सरिता भाभी का फोन आते ही फौरन खंडाला वाले बंगले पर चले गए। नीच माँ, कमीने माँ, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। अब इन बातों से क्या फायदा भाभी, जो बोना था वो तो बो चुका, अब तो फसल काटने का टाइम आया है। हाय हर बेटी, आगे सुनाओ या सुनाओ, मैं जानना चाहती हूँ इंसान की नीचता की गहराई क्या है। हाँ, गहराई जरूर नापो बेटी, क्योंकि इस गहराई में तुम्हें ही गिरना है। हाँ तो कहानी आगे इस तरह बढ़ी कि मैं लाला को खंडाला वाले बंगले पर ले गया और उसे दिखा दिया किस तरह उसकी बीवी उसके दोस्त सूरज सिंह से छुप छुप के मिलने जाती है। मेरा दोस्त और मेरी बीवी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, तुमने मेरे प्यार का अपमान किया है। आपको कोई गलत फहमी हो रही है, आपको शायद नहीं मालूम कि हमारी प्रिया को किसी ने अगवा कर लिया है और कहा है कि 1 करोड़ रुपया लेकर अगर मैं खंडाला नहीं पहुंची तो। उसी वक्त मैंने आपको ऑफिस में फोन किया था मगर आप ऑफिस में नहीं थे। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुमने मुझे कोई फोन नहीं किया, तुमने फोन किया तो कमला भाभी को, उनसे सूरज का पता लिया, ड्राइवर को घर छोड़ा और अकेली चली आई यहाँ अपने यार के साथ गुलछे उड़ाने। ये आपको क्या हो गया है? मैं अपनी प्रिया की कसम खा रही हूँ। खाओ मेरी बच्ची की झूठी कसम। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते, इस वक्त प्रिया की जान खतरे में है। इस वक्त प्रिया घर पर है। यहाँ आने से पहले मैं उसे बात करके आया हूँ, अपने यार से मिलने का तुम्हें और कोई बहाना नहीं मिला। अब मैं जिंदगी भर अपनी बच्ची पर तुम्हारा साया तक नहीं पड़ने दूंगा। लाला बॉम्बे पहुंच गया, सूरज अस्पताल पहुंच गया, माँ यहाँ पहुंच गई, और मैं वहां पहुंच गया जहां मैं पहुंचना चाहता था। अब तुम पूछोगी कि तुम्हारी माँ को जिंदा रखने की क्या जरूरत थी? जवाब यह है बहू के, मेरा मतलब है प्रिया बेटी, कि अच्छा जुआरी जो होता है ना वो हमेशा तुरुप का एक पत्ता छुपा कर रखता है। देखो काम आ गई ना। हाय ये थूक मैं अपनी बहू की सलामी समझकर कबूल करता हूं। ये बहू बहू कैसे कह रहा है? कहीं तो मेरे बच्चे की शादी अपने बेवकूफ बेटे के साथ करने का सपना तो नहीं देख रहा है? सब कुछ तो तय हो चुका है भाभी, इसलिए तो तुम्हारा आशीर्वाद दिलाने लाया हूँ। नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता बेटी। ऐसा कभी नहीं होने देना। नहीं, कभी नहीं, नहीं। सोच लो प्रिया, तुम्हारी डोली अगर मेरे घर में नहीं आई
तो तुम्हारी माँ की अर्थी जरूर इस घर से बाहर जाएगी। मैं अपनी बच्ची की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। खींचो इसकी चेन। को जिसने मेरे प्यार को डसा है, बुलाओ, बुलाओ उस बेरहम कातिल को जिसने मेरी मोहब्बत का कूट किया है, बुलाओ, बुलाओ उस बेवफा हत्यारे को जिसने मेरे साथ प्यार की कसमें खाई थी, बुलाओ, बुलाओ उस धोखेबाज मक्कार को जिसने कहा था कि अगर मैं तुम्हारी नहीं हो सकी तो किसी और की भी नहीं बनोगी। जाओ डैड, ये तो फिर से मेरी शादी में टांग उड़ाने आ गया। अरे इसकी तो मैं टांग ही तोड़ के रख दूंगा। तुम लोग देख क्या रहे हो? उठाओ इस हरामी के पिल्ले को और फेंक दो इसे गेट के बाहर। ठहरो, ये मेरा मुजरिम है, इसे सजा मैं दूंगी। अब बोल, अब तो प्रिया भी तुझे सजा देने आ रही है। मकारी और धोखेबाजी तो तुम्हारे खून में है, खानदान में है राहुल सिंह। जैसा बाप वैसा बेटा। प्रिया! चिल्लाओ मत, मैं तुम्हें अच्छी तरह जान चुकी हूँ। तुम झूठे हो, तुम्हारा प्यार झूठा है। एक शर्त की वजह से तुमने मेरे साथ इतना बड़ा नाटक खेला, तो मैंने भी प्यार का नाटक करके उससे भी बड़ा मजाक किया। अब हिसाब बराबर। नाउ गेट आउट। तकलीफ मत करो प्रिया, प्यार में हिसाब। टू गुड। अगर अब भी समझ ना आया हो तो रास्ते में किसी जोशी से पूछ लेना अपनी फटी हुई किस्मत का हाल। वो भी यही कहेगा कि प्रिया तेरी किस्मत में नहीं है। और इसके बाद अगर तूने इस घर में कदम भी रखा। शालिनी जी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। प्रिया ने परसों रात खुद मुझसे कहा था कि अगर मैं तुम्हारी नहीं हो सकी तो किसी और की भी नहीं बनूंगी, लेकिन आज सबके सामने उसने मुझे जलील करके अपने घर से बाहर निकाल दिया। राहुल, परसों और अब में 30 घंटे बीत चुके हैं, इतने टाइम में कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अचानक वो इतनी बदल गई, मुझसे नफरत करने लगी, बॉबी से शादी करने को तैयार हो गई? ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। राहुल, माँ जिंदा है? इसका मत। शालिनी जी, प्रिया की माँ जिंदा है। आप जल्दी से केडी को लेकर मेरे घर पर पहुंचिए, मैं बाबूजी को जाकर खबर देता हूँ। इस शादी को किसी भी हालत में रोकना होगा। देखकर हैरान तो जरूर हो रहा होगा लाला कि हम तुम्हारे यहां बिन बुलाए मेहमान कैसे आ गए। इसमें हैरानी की क्या बात है? अक्सर शादी ब्याह में आवारा कुत्ते खुशी आते हैं। तू अंधा हो गया है लाला, अंधा। इन लोगों ने तेरे आसपास ऐसी दीवार खड़ी कर दी है कि तुझे कुछ दिखाई नहीं देता। अरे कभी सोचा है कि जो लड़की आज तक सुरेंद्र के बेटे से नफरत करती थी अचानक उसके साथ शादी करने को काहे राजी हो गई? ये जरूर किसी दबाव, मजबूरी, जबरदस्ती में आकर ये सब कर रही है। मेरी बेटी पर ऐसी जबरदस्ती कौन कर सकता है? क्या मजबूरी हो सकती है उसकी जो मुझे अपने बाप को नहीं बता सकती? वो मजबूरी इसकी मां है, तुम्हारी बीवी।
हमारी सरिता भाभी बस उस औरत को मरे सालों बीत गए हैं। पुराने जख्म कुरेदने की कोशिश मत कर। नहीं लाला नहीं, सरिता भाभी आज भी जिंदा है और इस कमीने सुरंदर की कैद में है। यह झूठ बोल रहा है भाई साहब, आपकी जान की कसम। अरे वो कुलटा तो कब की मर गई, जल गई, राख हो गई है। खबरदार, जो हमारी गंगा समान पवित्र भाभी के बारे में एक भी अपशब्द कहा तो तुम्हारी जुबान खींच लें। भाई साहब, अरे तुम जल्दी से फोन करो उसे, फोन। कमीना ये नहीं, कमीना तू है। एक बार तूने मेरा घर बर्बाद किया था, आज फिर तू मेरा घर बर्बाद करने आया। हमने तुम्हारा घर बर्बाद नहीं किया लाला, बल्कि इस कमीने ने किया। हमने तुम्हारे बीच में गलतफहमी की दीवार भी इसी ने खड़ी की और देवी जैसी सरिता भाभी के ऊपर कलंक का दाग इसी कमीने ने लगाया। झूठ है ये सब भाई साहब, ये सराता झूठ झूठ बोल रहा है। अगर हमारी बात का यकीन नहीं आ रहा हो लाला तो पूछ ले अपनी इकलौती बिटिया प्रिया से। प्रिया को क्या पता कि क्या सच है और क्या झूठ है। काहे कि प्रिया सरिता भाभी से मिल चुकी है लाला। लाला तुझे आज भी हमारी बात का यकीन नहीं है, लेकिन एक बार अपनी बिटिया की खुशी के खातिर पूरी बात सच्ची बात सुन तो ले। हाँ अभी इसी वक्त घर के साथ साथ उसे भी जला दो। जी मैडम, जो हुक्म। नंबर मिल गया, अब मालूम करो कि एड्रेस क्या है। हेलो हेलो हेलो, पुलिस हेडक्वार्टर्स। अरे ए चल, छोड़ दो, कहाँ ले जा रहे मुझे? बांध उसके हाथ। क्यों बांध रहे मुझे, क्यों बांध रहे मुझे? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। नहीं ये नहीं हो सकता, तो फिर पूछ ले अपनी बिटिया से लाला, पूछ ले। हेलो, हाँ राहुल। हाँ हाँ केटी बोलो। राहुल एड्रेस मिल गया। हाँ लिखो जल्दी से, द एड्रेस इज यस ओके आई विल बी देयर। या प्रिया, क्या ये सच है कि तेरी माँ जिंदा है? बता प्रिया, क्या तू अपनी मां से मिल चुकी है? बता बेटी, डर मत, कुछ नहीं होगा। अपने बाप को सब कुछ बता दे बेटा। कुछ नहीं चाहती, मैं किसी से नहीं मिली, ये सब झूठ है पापा, सब झूठ है। ये तू कहाँ बोल रही है प्रिया, ऐसा मत बोल प्रिया, ऐसा ले जाओ इस कमीने को और इतना मारो कि जितने जख्म इसने मेरी इज्जत और दिल पर लगाए हैं उससे ज्यादा इसके बदन पर दिखाई देने लगे। ले जाओ इसे। प्रिया, जोन माँ की जान बचाने के लिए तुम असलियत छुपा रही हो, तुमको ही माँ का वास्ता। सच बोल दे प्रिया, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। पंडित जी शुरू कीजिए शादी। ओम मंगलम विष्णु देवाय नमः, ओम मंगलम गणपति देवाय नमः, Yeah.
माँ जी आप फिक्र मत कीजिएगा। लेकिन तुम बेटे मैं माँ जी माजी एक मिनट सुतम शोक विनाश कारकम पाद पंकजम मंगल मंगलेश्वर स्वाद साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते आइए माजी बबी बेटे जीते रहो बेटे जीते रहो उधर प्रिया प्रिया माँ माँ सरिता सरिता तुम जिंदा हो। हाँ आज अगर राहुल ना होता तो शायद अरे राहुल नहीं होता तो भाभी अपनी बेटी की खुशी में शरीक होने कैसे आती। अच्छा हुआ भाभी तुम आ गई। अब अपनी बेटी और जवाई को आशीर्वाद दो। जवाई इसका मतलब प्रिया की नहीं मैं नहीं मानती शादी को मैं नहीं मानती जबरदस्ती करावे फेरों को। अगर मैं राहुल की नहीं हो सकी किसी की नहीं बनूंगी। ये क्या कर रही हो प्रिया? छोड़ो भागो हो क्या? प्रिया बेटी नहीं ऐसा मत करो। छोड़ो मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। मैं तुम्हारे बगैर सुरेंद्र जी तो चाहता है कि तेरे टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं को खिला दूं लेकिन मजबूर हूं बेटी का बाप हूं ना। बोल कितनी दौलत चाहिए तुझे मेरी बच्ची को इस झूठे बंधन से आजाद करने के लिए? आजाद? अरे भाई साहब आपकी बेटी मेरे घर में बिल्कुल आजाद रहेगी। कोई बंदिश नहीं होगी उस पर। आपकी अमानत मेरी जमानत। चल बेटे ले चल अपनी पत्नी को। चलो प्रिया। जब प्रिया इस शादी को मानने को तैयार नहीं है तो तेरी पत्नी कैसे हो सकती है? हाथ मत लगा। खबरदार जो किसी ने प्रिया को छूने की भी कोशिश की तो। नहीं राहुल नहीं। सदियों से बनाए हुए रस्मों रिवाज को इससे नहीं तोड़ा जा सकता। छोड़ दो प्रिया को। अब वो हमारे लिए पराई हो चुकी है। बिल्कुल 100% डैड। अबे तो मेरा मुंह क्या देख रहा है? अपनी ही शादी के मंडप से अपनी बीवी को नहीं उठा सकता? जा खबरदार जो एक कदम भी आगे आए तो मैं प्रिया को नहीं छोड़ूंगा। मुझसे मेरी प्रिया को कोई नहीं छीन सकता। राहुल बेटे समझने की कोशिश करो या धर्म होगा। नहीं माँ जी नहीं मानता मैं ऐसे धर्म को जो प्यार करने वाले दो दिलों को जुदा कर दे। तुम्हारी खुशी के लिए धर्म के नियम नहीं बदले जा सकते राहुल। हमने कहा ना छोड़ दो प्रिया का हाथ। अब इसकी शादी हो चुकी है। प्रिया छोड़ दो बेटा बाबूजी की बात मान लो छोड़ दो। आओ नहीं प्रिया माँ बाप की इज्जत का ख्याल करो। इसका हाथ छोड़ दो। नहीं प्रिया
गलत, टोटली गलत। क्या मतलब? मतलब ये, नमस्ते, मतलब ये कि ये शादी हुई ही नहीं। अरे भाई, बिना पंडित के कभी शादी हुई है? कौन कहता है बिना पंडित के शादी की है? अरे तेरी आंखें है या बटन? ये पंडित नहीं दिखाई दे रहा है, इसी ने तो मंत्र पढ़े हैं। ये पंडित नहीं है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही इज सब इंस्पेक्टर कमलेश पांडे। ये लो बाल। तो फिर असली पंडित? असली पंडित ये है जो कि हमारी बात समझ गए हैं कि जोर जबरदस्ती की शादी नहीं हो सकती। एग्जैक्टली। टू गुड। अरे तुम लोग खड़े खड़े मुंह का देख रहे हो, डॉक्टर को बुलाओ। अरे नहीं सुनिए, नहीं, मामूली से जख्म है, ठीक हो जाएगा। ये तुमने क्या किया लाला, ये तुमने क्या किया? मैंने तो सिर्फ खून का कर्ज अदा किया लाले की जान। खून का कर्ज? हाँ सूरज, तुम्हें नहीं मालूम खंडाला में गोली तुम पर मैंने ही चलाई थी, मैंने ही बहाया था तुम्हारा खून। आज हिसाब बराबर हो गया। अरे पगलवा, दोस्ती में कोनो हिसाब नहीं होता लाला, दोस्ती तो बेहिसाब होती है, दोस्ती बेहिसाब होती है लाला। मैं यहां हूं सर। मुबारक हो सर, अपना ऑपरेशन प्यारा ना कामयाब हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस केडी। थैंक यू इंस्पेक्टर केडी। कल से ड्यूटी पर आ जाना। नॉनसेंस। आज तो आप दूध पियेंगे ना बाबूजी, अब तो इसमें से घुला हुआ जहर निकल गया। हाँ रे बाबू, आज तो हम जरूर दूध पियेंगे। का लाला, हो जा पहले की तरह, एक घुट तुमरा एक घुट हमरा। ला भाई। रवा रे हमरा बकलोल। साबास बचवा, साबास। क्या बोलती है प्रिया? आखिरी घूंट मेरे बाबूजी पियेंगे या तुम्हारे पापा? मेरे पापा। लगी शर्त? लगी। ठीक है, अगर मैं हारा तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा, और अगर तुम हारी तो तुम मुझसे शादी कर लेना। टू गुड। जमाना दीवाना हो गया।